बालाघाट पुलिस ने बहर तहसील के सहजनाथ झाकुल गांव सहित अन्य जगहों पर छापा मार कार्रवाई करते हुए जिले में नकली नोट खपाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में नकली नोट खपाने वाले गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5,08,00,000 से अधिक राशि के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए 8 आरोपी बालाघाट के तो 2 आरोपी गोंदिया महाराष्ट्र के बताए गए हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस अभिरक्षा में ले आ गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह के सभी सदस्य नकली नोट सप्लायर बताए गए हैं, जिनसे नकली नोट छापने की कारखाने और गिरोह के सरगना के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार 8 आरोपियों के अलावा गिरोह में शामिल 3 से 4 संदिग्ध आरोपियों की भी सूचना पुलिस को मिल चुकी है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात पुलिस द्वारा कही गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जल्द ही गिरोह के सरगना का पता लगाने, अन्य आरोपियों की गिरफ्तार करने और नकली नोट छपाई कारखाने तक पहुंचने की बात कही है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नकली नोट खपाने का कारोबार करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें बालाघाट से किरनापुर ग्राम सेवती निवासी 25 वर्षीय राहुल पिता घनश्याम मेश्राम, किरनापुर ग्राम ब्रह्मकड़ी निवासी 38 वर्षीय अनंतराम पिता जंगली पाचे, किरनापुर ग्राम बिनोरा निवासी 33 वर्षीय हरिराम पिता रामेश्वर पाचे, थाना रूपसर उकवा ग्राम सोनपुरी निवासी 40 वर्षीय नन्नूलाल पिता किशन विश्वकर्मा, किरनापुर ग्राम रामकड़ी निवासी 30 वर्षीय सोहनलाल पिता भजनलाल बिसेन, किरनापुर ग्राम सेवती निवासी 30 वर्षीय हेमंत पिता आत्माराम उकी के नाम का समावेश है। तो वही पुलिस ने इसी मामले में महाराष्ट्र गोंदिया के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें गोंदिया दुगीपाट ग्राम कनेरी निवासी 30 वर्षीय मुकरू उर्फ मुकेश पिता वक्तू तवाड़े और गोंदिया गोरेगांव घुमरा निवासी 40 वर्षीय रामू उर्फ रामेश्वर पिता रंगलाल मौचे के नाम का समावेश है। पुलिस ने इस मामले में इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया है। ये तो बालाघाट जिले में नकली नोट खपाने का सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा है, जिसमें एक वर्ष पूर्व भी बहर क्षेत्र में नकली नोट खपाने का मामला सामने आया था। वहीं जिले के भीतर पिछले 2-3 माह में नकली नोट खपाने का यह दूसरा मामला सामने आया है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर नकली नोट का खजीरा पुलिस ने बरामद किया है। वहीं जल्द ही इसी मामले में एक बड़ा खुलासा करने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। बहर क्षेत्र से जब्त किए गए नकली नोट के इस खजीरे में न सिर्फ बालाघाट पुलिस बल्कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा इसी मामले में जीएसटी इनकम टैक्स खुफिया विभाग सहित केंद्र व राज्य की अन्य एजेंसियां भी मामले की जांच में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 में भी बड़े पैमाने पर बहर क्षेत्र से जब्त किए गए नकली नोट के इस जखीरे में न सिर्फ बालाघाट पुलिस बल्कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा इसी मामले में जीएसटी इनकम टैक्स खुफिया विभाग सहित केंद्र व राज्य की अन्य एजेंसियां भी मामले की जांच में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 में भी बड़े पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश में नकली नोट खपाने का एक मामला सामने आया था। यह मामला भी उसी तरह का बताया जा रहा है। बहर क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 10, 20, 50, 100, 200 से लेकर 500 और 2000 तक के नकली नोट खपाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रंग रूप आकार डिजाइन और कागज की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि आमतौर पर असली और नकली नोट में पहचान कर पाना मुश्किल है, लेकिन इन नकली नोट में सीरियल नंबर, बैंक का नाम, प्रिंट मिस्टेक सहित ऐसी कई खामियां हैं जो बारीकी से देखने पर आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता की कमी होने के चलते इन क्षेत्रों में नकली नोटों का यह कार्य आरोपियों द्वारा बड़ी आसानी से किया जा रहा था, जिसका खुलासा बालाघाट पुलिस इनके द्वारा किया गया है। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि बालाघाट पुलिस को सब डिविजनल बहर में नकली नोट ग्रामीण जनता के बीच खपाने की सूचना मिली थी। एसडीओपी बहर थाने की पुलिस और गोपनीय टीम ने आसपास पता किया और जानकारी पुख्ता कर रात में छापामार कार्रवाई की, जिसमें आरोपियों के पास से 8,00,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। जब इन आरोपियों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने गोंदिया के 2 साथियों के नाम बताए, जिस पर गोंदिया पुलिस के सहयोग से गोंदिया के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5,00,000,000 रुपए से अधिक के नकली नोट बरामद किए हैं। अब तक इस मामले में बालाघाट के 6 तो गोंदिया के 2, ऐसे कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी आरोपियों से प्राथमिक पूछताछ की गई है,
इस पूछताछ में आरोपियों ने अपने आप को नकली नोट का सप्लायर बताया है, जिन्हें बेहर न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पूछताछ के दौरान अन्य खुलासे होंगे। पुलिस इस बात का पता लगाएगी कि भारी मात्रा में नकली नोट इनके पास कहां से आ रही थी, इनका सरगना कौन है और किस कारखाने में यह नोट छाप रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने 3-4 लोगों के और नाम बताए हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार सभी आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। वहीं बालाघाट और गोंदिया पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों की विभिन्न जांच एजेंसियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है, जो अपने अपने स्तर पर इन मामलों की जांच करी है। जल्दी इस मामले में बड़े खुलासे किए जाएंगे। ऐसे ही हमारी जो पहली कार्रवाई शुरू हुई, जहां पर लगभग 8 लाख रुपए नकली नोट हमारे जब्ती में आए थे, और पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनको कुछ लोगों ने सप्लाई किया है जो गोंदिया के रहने वाले हैं, वहाँ से हमको आगे के सूत्र में। ये अभी तक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पुरानी घटना या पुराने इन्वॉल्वमेंट कबूला नहीं है, परंतु इनकी पुराना बैकग्राउंड हिस्ट्री, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, पुराना इनका क्या रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, क्या प्रोफेशनल इनका बैकग्राउंड है, वो सभी हम लोग चेक करें। अभी तक तो जो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक हम लोग इसका प्रिंटिंग प्रेस या जो कारखाना जहाँ ये प्रिंट हो रहे थे वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सरगना हमारे पास है। जब हम उस नेटवर्क तक पहुँचेंगे या उन्होंने किस कारण से कैसे या कहाँ से वो इक्विपमेंट लाया, कहाँ से वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, कई बार तो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के रहते हैं, पर यह क्वालिटी अच्छी है। ऑल दो उसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स भी हैं, कुछ अलग उसने मतलब जैसे बैंक का नाम सही नहीं लिखना या रुपए की जगह पॉइंट्स लिख देना, इस तरह की चीज़ें जानबूझ के भी की गई, तो उन सभी चीज़ों पर विवेचना चल रही है कि ये किस तरह से क्या उद्देश्य और कौन इसका किंतु। यदि आप ध्यान से उसे देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कई स्थानों पर जहाँ पर अवेयरनेस इतनी नहीं है या जनता जल्दी भरोसा कर लेती है, हमारे आम नागरिक उसमें बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे बेवकूफ़ बना के उसको खपाए जाने का प्रक्रियाधीन थे। हाँ, यहाँ पर अपने जो बालाघाट में जहाँ से शुरू हुआ तो उसमें 4-5 जो नाम आए हैं उसमें काफ़ी लोग इसमें, जैसे कि एक नन्नूलाल है, राहुल है, अनंतराम है, ये सब आपको भी प्रेस नोट में मिल जाएगा। तो ये लोग ही यहाँ पर इसको किसी तरह से, जैसे कि कई बार एक अंधविश्वास ये भी लोगों में होता है कि ये हैं, इनको अभी आप अपने पूजा के स्थान पर रख लो, जब पूर्णिमा की रात आएगी तो उस दिन ये पूजा करना, तो ये सब ऐसा बदल जाएंगे, असली हो जाएंगे। कई बार इस तरह का भी उनके बताने का वो है, या फिर कई बार वो एक दो नोट तो असली बता के ही चला देना, किसी दुकान में दे देना जिसने नहीं देखा जल्दी में तो वो मान गया। कई बार क्योंकि इसमें छोटे डिनोमिनेशन के भी नोट हैं कि 100 रुपये का, 50 रुपये का नोट, ऐसे ही चला देना। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज़।